वेलकम बैक फ्रेंड्स, आर की कॉमर्स एंड मैनेजमेंट क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी तक कैपिटल बस्टिंग जो अपना टॉपिक है उसके अंदर हमने फोर वीडियो पढ़ी हैं, और इन फोर वीडियो में जो ये नेक्स्ट सीरीज है फिफ्थ वीडियो है, पार्ट फिफ्थ है। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको प्रीवियस वीडियो के बारे में बता देता हूँ। जैसे जो वीडियो अपना फर्स्ट था उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो कैपिटल बस्टिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसके अंदर बेसिक्स क्या क्या चीज़ें हम यूज़ में लेते हैं। जैसे फर्स्ट था आपका 1.1, हम बोल दें जिसे हम बोलते हैं प्रोजेक्ट। सेकंड था आपका 1.2 इनिशियल इन्वेस्टमेंट। थर्ड था 1.3 कैश इनफ्लो। और कैश इनफ्लो के अंदर भी हमने टू टाइप्स पढ़े थे कि कैश इनफ्लो बाय फर्स्ट था सेल्स या रेवेन्यू मेथड, और नेक्स्ट वीडियो में जो हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था कॉस्ट रिडक्शन या सेविंग मेथड से हमने कैश इनफ्लो को समझा था। फिर इसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया था, इसके बाद हमने ये स्टार्ट किया था कि जो मेथड्स हैं कैपिटल बस्टिंग्स के क्या हैं, मेथड्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग। कुछ हमने ये भी पढ़ा था कि जो कैश इनफ्लो के टाइप्स हैं, कैश इनफ्लो के जो टाइप्स होते हैं मेथड ऑफ कैपिटल बस्टिंग के अंदर क्या क्या होते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था आपका कि कैश इनफ्लो जो होता है आपका 2.1 मेथड, जैसे हमने पे बैक मेथड। और इसके अंदर जो मोस्टली टू टाइप्स पढ़ेंगे, पहला पे बैक पीरियड और सेकेंड है आपका पोस्ट पे बैक पीरियड एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जैसा कि हमने इन दोनों को पढ़ा भी था लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट वीडियोज के अंदर हमने कुछ इन्हें पढ़ा भी था। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पे बैक पीरियड मेथड है, यहाँ पे भी दो सिचुएशन होती हैं कि कैश इनफ्लो एवरी ईयर सेम हो, और सेकेंड कैश इनफ्लो एवरी ईयर नॉट सेम हो। जब हम पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं और कैश इनफ्लो एवरी ईयर सेम हो तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, इसका फॉर्मूला रहता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। लेकिन जब हम सेकंड केस की बात करें, जब कैश इनफ्लो एवरी ईयर नोट सेम हो, तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा। और फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए हम नेक्स्ट जो आपको इलस्ट्रेशन बताने जा रहे हैं, इलस्ट्रेशन जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका पे बैक पीरियड मैथड ही हम पढ़ रहे हैं। इन पे बैक पीरियड मैथड के अंदर जो फर्स्ट केस था कैश इनफ्लो एवरी ईयर सेम, जिस पर हमने इलस्ट्रेशन सेकेंड किया था प्रीवियस वीडियो में, और आज हम कैश इनफ्लो जब एवरी ईयर नोट सेम हो तो हम इलस्ट्रेशन थर्ड कर रहे हैं। जैसे आप देखें इस इलस्ट्रेशन में आप आएंगे तो मैं इलस्ट्रेशन पढ़ देता हूँ, उससे पहले मैंने लिखा भी हुआ है कि पे बैक पीरियड मैथड में हम एडजस्टमेंट सीख रहे हैं वैन कैश इनफ्लो नोट सेम इन एवरी ईयर। क्वेश्चन क्या है, द मैनेजमेंट ऑफ ए मैनुफैक्चरिंग कंपनी प्रपोज टू इन्वेस्ट ₹1,00,000 इन ए प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप देखें जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है आपका ₹1,00,000। हम इसे क्या बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कौन सा है, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कितना है आपका ₹1,00,000। विच विल गेट्स एन अर्निंग, अर्निंग के बारे में आपको जो दिया है यहाँ पे वर्ड क्या दिया है, बिफोर डेप्शन एंड आफ्टर टैक्स, मतलब आफ्टर वन है। वैसे हम बोलते क्या थे, पहले हम इसे बोलते थे कि अर्निंग या कैश इन फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्शन, बट यहाँ पे लैंग्वेज का थोड़ा चेंज हुआ है। पहले इन्होंने क्या बोल दिया, बिफोर बोल दिया पहले कि बिफोर डेप्शन एंड आफ्टर टैक्स, तो हम मान गए कि कैश इन फ्लो वन आफ्टर है। वन आफ्टर का मतलब है आफ्टर टैक्स है, जो हमें इस मेथड में चाहिए होता है। जो हमें कैश इन फ्लो मिलेगा फॉर नेक्स्ट सिक्स ईयर मिलेगा, जैसे फर्स्ट ईयर 30,000, सेकेंड ईयर 20,000, थर्ड ईयर 20,000, फोर्थ ईयर 18,000,
फिफ्थ ईयर 18,000 और सिक्स्थ ईयर 12,000। तो आप देखें यहाँ पे फर्स्ट ईयर 30 है, फिर 20, 20 है, फिर 18, फिर 18, फिर 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरी ईयर ये क्या है, डिफरेंट है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि पहले 5 सालों में 30 30 हो और लास्ट ईयर में जैसे सिक्स्थ में दिया है 12,000, ऐसा हो तो भी हम डिफरेंट मानेंगे। अब हमें ये कहना है कि कैलकुलेट क्या करना है आपको, पे बैक पीरियड। पर हमें माइंड में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पे बैक पीरियड जो हम कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पे दो सिचुएशन होती हैं, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि पे बैक मेथड के अंदर पे बैक पीरियड दो सिचुएशन में कैलकुलेट होता है, जब कैश इनफ्लो एवरी ईयर सेम आए और जब कैश इनफ्लो एवरी ईयर नोट सेम आए। तो हम यहाँ पे नोट सेम वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना, नोट सेम वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसे हम इलस्ट्रेशन की हेल्प से समझ रहे हैं। अब हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब नोट सेम होता है तो हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, इसका फॉर्मूला हम क्वेश्चंस की हेल्प से बनाएंगे, पर फिर भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा एक बता देता हूँ। देखो, हम बात करेंगे सबसे पहले कि जैसे हमने कोई क्वेश्चन लिया तो हमारा पे बैक ईयर क्या है, पे बैक ईयर जो पे बैक ईयर होता है वो कौन सा ईयर होता है, वो ईयर जहाँ पे हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट का पैसा मिलता है। तो ये जो पे बैक ईयर है, इसका ये ज़रूरी नहीं कि कंप्लीट ही आए आपका, या 4 ईयर आए, या 5 ईयर आए, या 6 ईयर आए, तो वो 4.25 भी हो सकता है, 4.5 भी हो सकता है, या फिर 5.5 भी हो सकता है। तो उसे हम एक फॉर्मूले की हेल्प से समझेंगे, ठीक है ना। तो हम एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, थर्ड इलस्ट्रेशन। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें कुमुलेटिव कैश इनफ्लो निकालना पड़ेगा। कुमुलेटिव कैश इनफ्लो होता क्या है, जैसे कि हम कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का करते हैं, जैसे हमने कॉलम बनाया ईयर्स और इनकम्स, हमने कैश इनफ्लो रखे हैं कुमुलेटिव। कैसे, जैसे फर्स्ट ईयर हमें 30,000 मिला, सेकंड ईयर 20,000 मिला तो 50,000 हो गया, फिर 20,000 मिला तो 70,000 हुआ, फिर 18,000 मिला तो 88,000 हुआ, फिर 18,000 मिला तो 1,06,000 हुआ, फिर 12,000 मिला तो आपका 1,18,000 हो गया। तो अपना जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 1,00,000 था, वो हमें कौन से ईयर में मिल रहा है, वो मिल रहा है हमें फिफ्थ ईयर में। तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो पे बैक ईयर से हमें कैलकुलेट करना है कि पीछे जाना है या फिर आगे जाना है। जैसे आप देखिए यहाँ पे फिफ्थ ईयर आए, तो हमें फिफ्थ ईयर और फोर्थ ईयर के बीच में पे बैक पीरियड कैलकुलेट होगा। उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसे समझने के लिए हम ये देखें कि टोटल हमने प्रोजेक्ट में 1,00,000 रुपये लगाए हैं, और हम यदि फिफ्थ ईयर माने तो फिफ्थ ईयर में हमें 1,06,000 रुपये मिल रहे हैं, जो कि आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है। जब ये अमाउंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होता है तो पे बैक पीरियड जो होगा वो फिफ्थ ईयर से कम ही होगा। जैसे हम देखें यहाँ पे, तो हमारे प्रोजेक्ट ने अभी तक जो कम्प्लीट ईयर किए हैं वो हैं फोर्थ ईयर। कंप्लीट ईयर कितने किए हैं, 4 ईयर। तो हम एक फॉर्मूला लेंगे यहाँ पे, क्या फॉर्मूला रहेगा आपका, पे बैक पीरियड वैन कैश इनफ्लो नोट सिमिलर एवरी ईयर, नंबर ऑफ ईयर कंप्लीट बिफोर पे बैक ईयर। पे बैक ईयर से पहले हमने 4 ईयर कंप्लीट कर लिए, तो हमने यहाँ पे 4 ईयर लिख लिया। देखिए नंबर ऑफ ईयर कंप्लीट बिफोर पे बैक ईयर, पे बैक ईयर फिफ्थ है और इससे पहले जो हमने ईयर कंप्लीट किए हैं 4 ईयर, प्लस हम क्या करते हैं रिमेनिंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब जो हमें फोर्थ ईयर तक जो पैसा मिला है वो कितना मिला है आपका 88,000। तो रिमेनिंग का मतलब हमें जो चाहिए और चाहिए फिफ्थ ईयर में वो 12,000 चाहिए। तो हम यहाँ पे रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से जो कंप्लीट ईयर हुए हैं उसमें जो पैसा मिला है 88,000, उसको लेस कर देंगे। मतलब सीधी सी बात है, हमें 88,000 मिला है, आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूरा करने के लिए 12,000 रुपये और चाहिए, तो 1,00,000 में से हमने 88,000 को लेस कर दिया। अब ये जो 12,000 रुपये हैं ये हमें फिफ्थ ईयर में मिलेगा, और फिफ्थ ईयर में 12 महीने में पूरा 18,000 मिलता है। 12 महीने में 18,000 मिलता है, 18,000 रुपये पूरे 12 महीने में मिलता है। तो हम ये देखें कि जो हमारा 12,000 रुपये है वो कितने टाइम में मिलेगा, तो 12,000 में आप 18,000 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.67 ईयर। 0.67 ईयर का मतलब समझ रहे हैं, 4 ईयर प्लस 0.67 ईयर का मतलब है 4.67 ईयर आपका पे बैक पीरियड हुआ। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या किया है कि जो फॉर्मूला होता था आपका एवरी ईयर सेम का फॉर्मूला होता था, उस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई हमने किया है। जैसे इस फॉर्मूले से तो सीधा पे बैक पीरियड निकलता था, लेकिन अब इस फॉर्मूले से डायरेक्ट पे बैक पीरियड नहीं निकलेगा। हमें पहले पे बैक का ईयर निकालना है और उस ईयर को आगे पीछे करके रिमेनिंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हमें जिस ईयर में मिलेगा
उसकी हेल्प से हमें पेबैक पीरियड को इस तरीके से निकालना है। तो ये हमारी वीडियो किस रिलेटेड है, जब पेबैक पीरियड मेथड आपको गिवन हो और आपसे क्या पूछ रहा हो, कैश इन फ्लो सिमिलर नहीं है तो उस सिचुएशन में आप क्या निकालो, पेबैक पीरियड निकालो। तो ये आपका पेबैक मेथड यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं। थैंक्स।